हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट पेज पढ़ते हैं और नेशनल इंटरनेशनल करंट पेज होता है। यहां से आपको लगभग सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करंट पेज। यहां से अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन से 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से मिनिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के कोई भी एग्ज़ाम चाहे ले लें, चाहे SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। करंट पेज के सेक्शन से 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी इसका 8 से 10, 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। आपका जो GK GS का जो सेक्शन है, ये क्वेश्चन आपके बढ़ा के पूछा जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, बाकी आप समझदार हो, पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पर पहुँच पाए। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में 9वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय MSME जो एक्सपो और सम्मेलन 2023 का जो आयोजित कहाँ पे किया गया है, इसका आयोजन कौन से सिटी में किया गया है, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आयोजन कहाँ पे किया गया था, ये आपके नई दिल्ली नहीं, ये आपके जम्मू कश्मीर है, टाइपिंग मिस्टेक हो गए। तो आपके इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया था। ये आपका 9वां संस्करण था जो कि भारत का राष्ट्रीय MSME क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री माइक्रो, इसका जो एक मिनट ना, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसका फुल फॉर्म होता है अगर हिंदी में इसको, सूक्ष्म लघु और आपके मध्यम उद्यम मंत्रालय इसको कहा जाता है। इसके तहत ये जो खास छोटे छोटे जो सूक्ष्म उद्योग, छोटे छोटे जो व्यापारी इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो उनके लिए खास काम करने के लिए यहाँ पे ये मंत्रालय को स्टार्ट किया गया। जो छोटे जो व्यापारी उन लोग स्टार्ट करते हैं, एक तरह के इन लोग को छोटा छोटा लोन प्रोवाइड किया जाता है और इन लोग अपने जो व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इसमें हेल्प किया जाता है। तो हाल में इसका 9वां भारत जो अंतर्राष्ट्रीय MSME जो एक्सपो और सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो आपके जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। इसको याद रखिए, इसमें जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जो उद्योग और जो उद्यम जो क्षेत्र के जो उद्यमियों के बीच ये खास करके एक सहयोग बढ़ाना है और इनको आर्थिक विकास इनको बढ़ सके और भारत की जो अर्थव्यवस्था भी इसे बहुत इसको प्रॉफिट हो, इसी के अंतर्गत इसको आगे बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया था आपके जम्मू कश्मीर में। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया है, महाराष्ट्र ने, गुजरात ने, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की राजधानी है आपके गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में जो आपका जो यहाँ के जो हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर 3 से 4 बार यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आपके जो गृह मंत्री कौन है हमारे, तो हमारे अमित शाह जी यहीं से बिलोंग करते, इसको भी याद रखिएगा। तो हाल ही में जो गुजरात सरकार ने जो भूपेंद्र जो पटेल के द्वारा हाल ही में यहाँ पे जो शहरों की या आपके खास करके उनको जानकारी के लिए यहाँ पे आवागमन के लिए एक ऐप तैयार किया गया, इसको अनावरण किया एक ऐप को, इसके तहत यहाँ पे शहरों की जानकारी यहाँ से ली जाएगी। इसी तरह यहाँ पे मतलब इसको खास करके लोगों को रक्षा के लिए यहाँ पे वेब तैयार किया गया है ऐप को, और लोगों को सुरक्षा और शेरों की जो आवागमन को यहाँ पे ध्यान रखते हुए इस ऐप को यहाँ पे इस ऐप का अनावरण किया गया ताकि अपने निगरानी में इसको देख सके। तो हाल ही में जो गुजरात सरकार के द्वारा इसको लाई गई है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिए जो गुजरात में ही स्थित है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो गिर राष्ट्रीय जो उद्यान है यहाँ पे 3 मिनट बाघों के जो देख रेख के लिए इसको लाई गई है गुजरात के सरकार के द्वारा, भूपेंद्र पटेल के द्वारा जो कि यहाँ के CM हैं। तो इसको याद रखिएगा गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, फिनो पेमेंट बैंक ने, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने, एयरटेल पेमेंट बैंक ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो हाल ही में इस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो हाल ही में भारत का जो पहला जो डेबिट कार्ड जो लॉन्च करने वाला जो बैंक कौन है, आपका एयरटेल बैंक, इनके द्वारा भारत के पहले यहाँ पे इन्होंने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड इनको लॉन्च किया गया है। ये
इसमें खासकर इसमें बचत खाता भी इसको साथ में स्टार्ट किया गया है और डेबिट कार्ड भी इसके तहत लॉन्च किया गया है। अगर बात करूँ यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बात करूँ तो इसकी स्थापना कब किया गया था, 2017 में इसकी स्थापना किया गया था और इसके अभी वर्तमान में सीईओ इसके प्रबंध निदेशक कौन है, तो अनुब्रत विश्वास इसके सीईओ है और प्रबंध निदेशक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, इसको इस्टैब्लिश किया गया था 2017 में, इसको इस्टैब्लिश किया गया था। तो हाल ही में इसको डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा, वो भी आपका पूरा सुविधा के साथ, आपको मतलब सुरक्षा के साथ इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी कौन पर हैं। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले इंस्टाग्राम पे सेलिब्रिटी कौन बने हैं, अक्षय कुमार, विराट कोहली, शाहरुख खान या इनमें से कोई नहीं। तो विराट कोहली को तो सभी जानते हैं, विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडियन क्रिकेटर हैं। तो हाल ही में विराट कोहली, याद रखिए एशिया के सबसे भुगतान पाने वाले इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बने, सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम में अगर देखेंगे एशिया में सबसे ज़्यादा विराट कोहली के फॉलोअर भी हैं और सबसे ज़्यादा इंस्टा पे यही पैसे यहाँ पे कमाते भी हैं। अगर मैं यहाँ पे इनकी बात करूँ तो एक पोस्ट पे कितना चार्ज, जैसे आज जैसे आप कोई भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर एक पोस्ट जैसे इनसे डलवाना रहता है, एक पोस्ट के कितने रुपये चार्ज करते हैं अगर बता दूँ मैं, तो यहाँ पर 11.47 करोड़ रुपये ये आपके एक पोस्ट के लिए मात्र चार्ज करते हैं। तो ये देख सकते हैं कितने पैसा कमाते हैं जो सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, तो सभी जानते होंगे। बाकी विराट कोहली को तो विराट कोहली इंस्टा पर सबसे ज़्यादा अधिक भुगतान पाने वाले इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बन गए, 2023 का डाटा है बता रहा हूँ मैं, जो एक यहाँ पे एक पोस्ट के लिए आपका 11.41 यहाँ पे करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। इसको याद रखिए, अगर इसमें विश्व में देखेंगे तो रोनाल्डो को जानते हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, ये आपके टॉप, ये आपके 20 स्थान में एक सूची निकाली है, 20 सूची में ये जो विराट कोहली आपके 14वां क्रम में है, पहला में आपका रोनाल्डो है और इसके बाद रोनाल्डो, सेकेंड में आपका लियोनेल मेसी, ये दोनों आपके हैं और अगर 20 सूची में 14वें क्रम में आपका विराट कोहली, इसको याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है, मुंबई में, गुरुग्राम में, बेंगलुरु में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आयोजन है बेंगलुरु सिटी में किया गया था और 11 से 12 अगस्त को बेंगलुरु सिटी में किया गया, जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से भी बेंगलुरु को जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एक बेंगलुरु में आपका जो इंडिया स्टार्ट फेस्टिवल क्या होता है, जिसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में, तो एक आपका ये जो फेस्टिवल है आपका इंडिया आर्ट से संबंधित एक फेस्टिवल, जिसमें अलग अलग स्टेट के केंद्र शासित प्रदेश से इसमें जो कलाकार इसमें हिस्सा लेंगे और एक तरह उनको एक पहचान दी जाएगी, इसके तहत यहाँ पर उनको पुरस्कार राशि वगैरह, यहाँ पर फेस्टिवल है एक तरह का, जिसे बेंगलुरु सिटी में आपका इसका आयोजन किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका जो फेस्टिवल का आयोजन आपके संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसमें रैली निकाली गई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में LOC जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है, इसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है, राजौरी में, कुपवाड़ा में, किश्तवाड़ में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो उद्घाटन या आपके जम्मू कश्मीर का जो ज़िला है आपके कुपवाड़ा, तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है यहाँ पर ज़िला में, तो लाइन ऑफ कंट्रोल या आपके यहाँ पर बॉर्डर पर यहाँ पे पहला पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया है कुपवाड़ा में, तो इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है, उड़ीसा, तेलंगाना, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में दिल्ली सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो सभी जानते हो केजरीवाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो हाल ही में ये दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने दिल्ली के जितने भी जो स्कूल वगैरह है, तो यहाँ पे पूरा जो फोन, जैसे जो स्टूडेंट वगैरह फ़ोन वहाँ पे लेके क्लास वगैरह में जाते, तो यहाँ पे पूरा प्रतिबंध लगा दिया, खास करके जो शिक्षक हैं उनको खास के निगरानी के लिए भी बोली गई है। तो इसके तहत क्या होता है, आजकल जो बच्चों फोन मोबाइल में दिन भर गड़े रहते हैं, तो इसके चलते पढ़ाई भी नहीं होती और स्कूल में जो एक स्टूडेंट लेके जाते हैं, इसी के चक्कर में 10 स्टूडेंट भी फ़ोन लेके जाते हैं, इससे
साथ ही साथ तो पढ़ाई माँ बाप बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं लेकिन उसको वैल्यू नहीं करते हैं, तो इसी को खास करके जो पढ़ाई का जो स्तर नीचे गिरते जा रही है इसी को यहाँ पे एक तरह का सुधार करना है। तो इसी तरह यहाँ पे इसको मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इसको ये दिल्ली सरकार के द्वारा इसको इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया। यहाँ पे पूरे स्टेट में पूरे भारत में इसको लागू करना चाहिए अभी जो स्थिति जो चल रही है इसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है, जापान के द्वारा, रूस के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। की अगर मैं बात करूँ, रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की राजधानी है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, पीएम, प्रधानमंत्री कौन है, तो दिमित्री मितदेव यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करूँ, राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति यहाँ के आपके कौन है जी, यहाँ के तो आपके व्लादिमीर जो पुतिन जी यहाँ के आपके प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, तो इसको याद नहीं। तो हाल में जो रूस के द्वारा एक चंद्रमा के लिए इन्होंने लूना 25 एक मिशन यहाँ प्रक्षेपित किया है। बाकी भारत को देख ही चुके हैं, चंद्रयान 3 तो लॉन्च हो गए, बाकी इनके बारे में जानते हैं। तो रूस के द्वारा चांद के दक्षिणी ध्रुव में, याद रखिएगा, जो रूस के द्वारा चांद की दक्षिणी ध्रुव में इन्होंने यहाँ पे अपना अंतरिक्ष यान उतारने के यहाँ पर जुड़ा एक मिशन इन्होंने लॉन्च किया है, जिस मिशन का नाम है लूना 25 मिशन का नाम है। तो ये आपके हाल ही में इनके द्वारा यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में चांद के अपना अंतरिक्ष यान उतारने के लिए आपका योजना बना रहा है और इसको लॉन्च भी किया जा चुका है। तो ये आपका 47 वर्ष, तो रूस जो है 47 वर्षों में ये आपका इन्होंने पहला ये आपका इसको प्रक्षेपित यहाँ पे किया इनके द्वारा, रूस के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे रूस के द्वारा 47 साल बाद रूस के आपका पहला मिशन है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे SBI लाइफ के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, वैभव तनेजा, समीर सक्सेना, अमित झिंगरन या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो SBI जो इंश्योरेंस है, हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO किसको बनाया गया, तो अमित झिंगरन को बनाया गया, किसको याद रखिएगा। वैभव तनेजा कौन है, वैभव तनेजा हाल ही में इनको किस लिए नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में जो अमेरिका की जो टेस्ला कंपनी है, एलन मस्क इसके मालिक हैं, तो इस इलेक्ट्रिक कंपनी है, टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, इनको हाल में इनके भारत के वैभव तनेजा को इनको इस कंपनी के CEO बनाया गया है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूषा देश पांडे को किस हाईकोर्ट के जज के रूप में अधिसूचित किया गया है, जयपुर हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके बॉम्बे हाईकोर्ट के, जो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मंजूषा देश पांडे को आपके बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के रूप में इनको अधिसूचित किया गया है, तो इसको याद रखिए। अब बॉम्बे हाईकोर्ट के नए जो जज के रूप में किसको सूचित किया जाएगा, तो ये आपके मंजूषा देश पांडे को बनाया जाएगा, ऐसा करके तैयारी यहाँ पे चल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की जो राजधानी दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, उत्तर कोरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में इंडोनेशिया की जो राजधानी है जो कि दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी यहाँ पे बन गई है, अलग सिटी को छोड़ के आप इंडोनेशिया की जो राजधानी इसमें सबसे प्रदूषित राजधानी इसको मतलब यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे घोषित किया गया है। बात करते हैं यहाँ पे इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता यहाँ के राजधानी को दुनिया सबसे प्रदूषित राजधानी इसको घोषित किया गया। तो इसको याद रखिए, यहाँ के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, यहाँ के प्रेसिडेंट है, यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपका मारुक अमीन जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर उपराष्ट्रपति हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो जकार्ता को याद रखिएगा जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है जिसको दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री मां नर्मदा लोक बनाने की घोषणा की है, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या आपके मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ की राजधानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इनका कहना है, शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में यहाँ पे देखे होंगे जो मध्य प्रदेश बहुत ही पर्यटन स्थल है और दर्शनीय स्थल, यहाँ पे जो
लाखों लोग यहाँ पे नर्मदा के लिए, यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए आते हैं लाखों लोग। और साथ ही साथ यहाँ पे अमरकंटक भी बहुत ही दर्शनीय स्थल, यहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे रोज़ यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो शिवराज चौहान यहाँ के जो सरकार है, गवर्नमेंट के कारण लाखों लोग यहाँ पे नर्मदा नदी की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और इसी तहत यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे एक भव्य मंदिर और यहाँ पे एक नर्मदा लोग बनाने की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। पूजा अर्चना के लिए लाखों लोग आते, इसी देखते हो भव्य नर्मदा लोक की स्थापना की जाएगी। और यहाँ पे अमरकंटक बहुत ही फेमस है, तो यहाँ पे इसी तरह के यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे जो दर्शन करने आते हैं लोगों के लिए, इसको आप मां नर्मदा लोक बनाने की घोषणा की जा रही है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो एक तरह से अच्छी सोच भी है, बनाना भी चाहिए, बहुत सारे दर्शन के लिए यहाँ पे आते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकान पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल ही में किस जो महिला है, जो कि यूके संसद के द्वारा, ब्रिटेन संसद के द्वारा सशक्त महिला आइकान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डायनेक क्रूगर को, मायरा ग्रोवर को, संकरी चंद्रन को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मायरा ग्रोवर। याद रखें मायरा ग्रोवर है कौन है, जिनको हाल ही में महिला यूके संसद के द्वारा, ब्रिटेन संसद के द्वारा इनको सशक्त महिला आइकान पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा रहा है। तो ये आपके जो मायरा ग्रोवर है, ये आपके एक लेखिका हैं, ऑथर हैं, और ये आपके सोशल वर्कर्स भी हैं, समाज के लिए बहुत सारे वर्क भी करते हैं, और सोशल वर्कर्स एसोसिएशन के भी सचिव भी हैं अभी वर्तमान में, जो कि समाज के योगदान के लिए, इनको ब्रिटेन संसद के द्वारा इनको महिला आइकान पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है मायरा ग्रोवर को। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के धमतरी में जो कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करूँ, यहाँ का राजधानी है रायपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं। तो हाल ही में यहाँ के जो छत्तीसगढ़ की जो एक ज़िला है धमतरी, तो धमतरी में जो एक जाति है कमार जनजाति की, आपके आवाज़ अधिकार मिला है, हमें खास करके इनको कमार जन जो जनजाति के जो लोगों के लिए आपके इनको आवास अधिकार इनको दिया गया है, खास करके उनको जो जनजाति के रहने वालों को, खासकर इनको देखते हुए जो पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है, तो खासकर इनको एक तरह के गवर्नमेंट के तौर जितने भी योजना वगैरह इसको स्कीम यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया जाए, ताकि इन लोग वो यहाँ पे जो हमारे समाज में उठ सके, ऊपर आ सके, इसी माध्यम से इसको अधिकार दी गई है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ऑनलाइन पोर्टल स्वागतम शुरू किया है। हाल ही में किसने ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम शुरू किया है, नीति आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने, रक्षा मंत्रालय ने, या इनमें से कोई नीति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, इसको याद रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम एक पोर्टल लॉन्च की, इसके तहत इसको लाने के पीछे क्या उद्देश्य, आपका सुस्वागतम पोर्टल इससे काम क्या होता है। तो इसके जितने भी वकील वगैरह जो इसके तहत यहाँ पे जो वकील अदालत में आने वाले जो लोग, जिसमें प्रशिक्षु और बहुत सारे जो लोग बाहर से आते हैं, तो अन्य लोगों के लिए एक ऑनलाइन पंजीयन एक स्टार्ट किया है, एक पोर्टल बनाया गया है, जिसके माध्यम से देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा गेट पे भीड़ हो जाती है। इसी के तहत एक जैसे कोरोना टाइम हम ई पास बनवाते थे, इसी टाइप के ई पास एक ऑनलाइन पंजीयन स्टार्ट किया है। ई पास से लोगों को यहाँ पे भीड़ करना भी नहीं पड़ेगा और लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी देखते हैं यहाँ पे सभी के लिए एक ई पास एक ऑनलाइन पोर्टल चालू किया है, इसी माते इस पास बनवा के सीधा आप अंदर आएंगे, तो यहाँ पर आपको भीड़ वगैरह से पूरा बच जाएंगे। जिस दिन आप पर मतलब वो टाइम रहेगा, उस दिन आप सीधा अंदर जाएंगे। तो इसी तरह के यहाँ पे ऑनलाइन पंजीयन पोर्टल स्टार्ट किया गया है, और न्यायालय में प्रवेश के लिए यहाँ पे ई पास यहाँ पे सुविधा दी गई है आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी जो ऑनलाइन पोर्टल को सुस्वागतम नाम से इसको स्टार्ट किया है, आपके स्टार्ट 25 जुलाई को स्टार्ट कर दी गई, इसको याद रखिए 25 जुलाई 2023 को स्टार्ट कर दिया गया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश कौन है जी, तो रॉबर्ट डी वाई जो चंद्रचूड़, जो कि हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके द्वारा इस पोर्टल को 25 जुलाई 2023 को स्टार्ट कर दिया गया। तो खास करके लोगों को एक तरह से जो भीड़ वगैरह लग रही थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर में, तो इनको यहाँ पे आसानी बनाने के लिए यहाँ पे इसको स्टार्ट किया है। यहाँ पे इसके तहत
वास्तविक इसमें फ़ोटो को देख के यहाँ पे आपको एंट्री दी जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इस मतलब भीड़ से बचने के लिए लोगों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। थैंक यू।